जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर इलाहाबादी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता ही है नवरात्र का महीना चल रहा है, बहुत ही प्यारा सुहाना महीना है। तो आज हम लोग ऐसे ही प्यारे सुहाने मौसम में, प्यारे सुहाने दिन में बहुत ही प्यारी सीरीज लेके आए हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जिसमें हम लोग जानेंगे वर्तमान में कौन क्या है, मतलब जो भी नई नियुक्तियाँ हुई हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चेंजेस हुई हैं, मंत्री वगैरह बदलते रहते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो चलिए इस सुहाने से पावन मौसम में शुरू करते हैं अपना सुहाना सा पढ़ाई का सफर। पहला है आप सभी के सामने कॉन्सेप्ट मित्रों, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति आप सभी को पता होगा श्री रामनाथ कोविंद, इस प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, एक कई बार ये पूछा जाता है कि श्री रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो ये 14th नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, 14th नंबर के। और अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि 13वें राष्ट्रपति कौन थे, ये तो 14वें राष्ट्रपति हैं, 13वें राष्ट्रपति कौन थे, तो दोस्तों 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। 13th प्रेसिडेंट कौन थे दोस्तों, प्रणब मुखर्जी। लेकिन अगर आपसे यही पूछ लिया जाए रामनाथ कोविंद जी कब राष्ट्रपति बने, तो दोस्तों रामनाथ कोविंद जी 25 जुलाई 2017 में राष्ट्रपति बने, और जो कि वर्तमान तक अभी हैं, ठीक है। 25 जुलाई 2017 को श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति के रूप में भारत में स्थापित हुए, ठीक है, या बने। चलिए आगे भी राष्ट्रपति के बारे में कुछ चीज़ें डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर पहली चीज़ ये जानेंगे दोस्तों कि रामनाथ कोविंद जी 14वें राष्ट्रपति हैं, आप जान ही गए हैं, और प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति थे। 13वें राष्ट्रपति कब बने थे, 2012 में, सन 2012 में। अगर आपसे यही पूछा जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और दोस्तों खास बात यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे लगातार दो बार राष्ट्रपति रहे, सोचिए दो बार राष्ट्रपति रहे, कितनी बार, राजेंद्र प्रसाद दो बार राष्ट्रपति रहे। और इनको दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न, ठीक है, 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लगातार दो बार भारत के राष्ट्रपति रहे। कब बने थे भारत के राष्ट्रपति, ये भी जान लेते हैं, ये 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी सन 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने, और 1962 तक, ठीक है, 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहे, 1950 से 1962 तक, लगभग कह सकते हैं कि 12 साल तक, 12 ईयर्स तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। चलिए दोस्तों एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट जान लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 35 ईयर्स, 35 वर्ष की आयु जो पूरा कर चुका हो वो राष्ट्रपति का के पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है, ठीक है। और यह किस में लिखा गया है, आर्टिकल नंबर, ठीक है, आर्टिकल 58 में, अनुच्छेद 58 में इसका वर्णन किया गया है राष्ट्रपति की योग्यताओं से रिलेटेड। अगर कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, तो वह भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। हालांकि और भी बहुत सारे योग्यताएँ हैं जिसको हम आगे दूसरी वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अगर दोस्तों आपसे ही पूछा जाए भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, के आर नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, ठीक है, और ये 10वें राष्ट्रपति थे, कौन से, 10th राष्ट्रपति थे, कौन, के आर नारायण, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति दोस्तों। और अगर आपसे यहीं पर पूछ लिया जाए दोस्तों
कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो आप सभी को पता ही होगा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कौन था दोस्तों? प्रतिभा पाटिल जी। प्रतिभा पाटिल जी फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी थी, ठीक है। और ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी दोस्तों? प्रतिभा पाटिल 12th, 12वें राष्ट्रपति के रूप में ये बनी थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है। और कब बनी थी? 2007 में, 2007 से 2012 तक, लगभग 5 साल, ठीक है। और दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे आपके और हम सब के, लगभग कह सकते पूरे विश्व के सबसे प्यारे राष्ट्रपति कौन बने थे अपने देश के? APJ अब्दुल कलाम। इनको कौन भूल सकता है, ठीक है। ये 11वें राष्ट्रपति थे भारत के। कौन? APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। और इनको तो आप लोग जानते होंगे, इनको मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है, जिनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था दोस्तों। और रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इनसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है दोस्तों, इनसे रिलेटेड, 15 अक्टूबर, ठीक है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, 15 अक्टूबर। हम सभी स्टूडेंट्स हैं तो जान लेते हैं, 15 अक्टूबर को दोस्तों विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है कब? 15 अक्टूबर को। किसकी याद में? हमारे आप सभी के प्रिय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद में, ठीक है। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है, विश्व छात्र दिवस। हालांकि हमारे बीच में नहीं रहे, फिर भी इनके कार्य हम सभी के लिए, हम सभी देशवासियों के लिए हमेशा ही प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू जी, जो कि 13th वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू जी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे यहीं पर पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे दोस्तों? डॉक्टर एस राधा कृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, एस फॉर सर्वपल्ली। और ये कब बने थे राष्ट्रपति? तो 1952 में, 1952 से 1962 तक, लगभग ये भी 12 साल थे। जैसे कि राष्ट्रपति से प्रथम हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, ऐसे ही भी लगभग 12 साल तक हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों उपराष्ट्रपति के लिए, उम्मीदवार के लिए भी 35 वर्ष की आयु पूरा करना अनिवार्य होता है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तरफ बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो सभी को पता होगा श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि 15th प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, 15th प्राइम मिनिस्टर हैं। एक ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार कब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया, तो कब लिया था प्रथम बार दोस्तों? तो 26 मई, ठीक है, 26 मई 2014 को मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था। एक कार्यकाल तो इन्होंने पूरा कर लिया, और दोस्तों दूसरी बार भी ये राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए, और वो कब लिए थे? तो 30 मई, ठीक है, 30 मई 2019, ठीक है, याद रखिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया, और दूसरी बार 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए कुछ और चीज़ें प्रधानमंत्री संबंधित समझ लेते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए, उम्मीदवार बनने के लिए
आपकी जो एज है लगभग कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो 25 ईयर्स कितना होना चाहिए दोस्तों, 25 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप 25 साल के हैं तो आप प्रधानमंत्री के बनने के योग्य हैं। हालांकि और बहुत सारी योग्यताएं हैं, बट मैं यहाँ पे एज की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप 25 साल का पूरे हो चुके हैं तो आप प्रधानमंत्री जी का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, तो प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए खड़े हो सकते हैं। चलिए आगे और देख लेते हैं, हमारे देश के, भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, सभी को पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और ये प्रधानमंत्री कब बने थे, 1947 से लेकर 1964 तक। देख रहे हैं कितना लंबा इनका कार्यकाल था, 1947 से 1964 तक। इन्होंने दोस्तों कंप्लीट लगभग 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल संभाला था। 16 वर्ष, इट इज़ अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है, इतना लंबा कार्यकाल इन्होंने संभाला एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हैं प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, ठीक है, अगर आपसे पूछे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, राजीव गांधी, ठीक है, कौन, राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। और लेकिन अगर आपसे पूछ लीजिए सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री, ठीक है, सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे दोस्तों, मोरारजी देसाई। नाइनटीन सेवेंटी सेवन से 1979 तक ये प्रधानमंत्री रहे। तो पता होगा आपको सब कुछ, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने, मोरारजी देसाई, सबसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, अगर आपसे पूछे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तो कौन थे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, भारत में वर्तमान भारत के गृह मंत्री, ठीक है, प्रेजेंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, अमित शाह, ठीक है, अमित शाह जी प्रेजेंट टाइम में भारत के गृह मंत्री हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तो आप जान गए हैं वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, और अगर प्रथम गृह मंत्री पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री, प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह, ठीक है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। लेकिन अगर आपसे पूछ ले प्रथम डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों, बलदेव सिंह, ठीक है, कौन थे, बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे, इसको याद रखिएगा, प्रथम भी और वर्तमान भी। चलिए आगे देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है दोस्तों, प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर एस जयशंकर, एस फॉर सुब्रमण्यम, ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर भारत में वर्तमान में विदेश मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। लेकिन अगर आपसे यहीं पर पूछ ले कि प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे दोस्तों, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था दोस्तों, पंडित जवाहरलाल
नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे और भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर भी थे, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री, प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोस्तों देखिए, अगर शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा ही सही पूछिए सब कुछ है। अगर आप शिक्षा के साथ, हालांकि संस्कार भी ज़रूरी हैं, बट आपको शिक्षित होना भी ज़रूरी है और वो भी बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो समझ लीजिए आपका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पढ़िए, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, दिल किडनी लीवर फेफड़ा सब लगा के, दिमाग लगा के सब पढ़िए, एकदम तन मन धन सर्व अर्पित कर दीजिए, क्योंकि एजुकेशन ही दोस्तों आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाएगा। आपका, आपके परिवार का बैकग्राउंड, आपका, आपकी पर्सनालिटी, हर चीज़ एजुकेशन चेंज कर सकता है। इसलिए पढ़ाई से कभी मन मत हटाइए। अगर कई बार होता है कि आप लोग निराश हो जाते हैं कि अभी सिलेक्शन नहीं हो रहा है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा आपको नहीं होना है। हालांकि जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमेशा मेहनत करते रहना है, अपने लिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए। क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप एक अच्छे पोजिशन पर नहीं हैं, तो ज़िंदगी जीना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो खुद से वादा करिए कि आप पढ़ेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग भी आगे बढ़ जाते हैं। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा गया है दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान जी प्रेजेंट टाइम में शिक्षा मंत्री हैं भारत के। लेकिन अगर आपसे यहीं पर पूछा जाए कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ अबुल, एक मिनट मैं नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूँ, एक मिनट यहाँ पर मैं राइट करता हूँ, ठीक है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अगर पूछ लिए जाए दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। और दोस्तों ये सन 1950, हाँ आई थिंक, हाँ राइट, 1952 में दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के रामपुर, एक जिला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से सांसद भी बने थे, ठीक है, कौन? अबुल कलाम आज़ाद 1952 में उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से ये सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि अभी आगे बढ़ जाते हैं, मैं कुछ कहने जा रहा था भूल गया, सॉरी। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर, प्रेजेंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन है? अनुराग ठाकुर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों कई बार लगता है कि पढ़ने मन नहीं लग रहा, नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, अगर हर बार आप अपने मन का ही बात मानेंगे तो आपका तो मन भटकता रहेगा, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अपने मन को समझाइए कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसी से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, आपकी, आपके परिवार की भी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इंडिया, या कई बार पूछा जाता है कि स्पीकर पूछ लिया जाता है, तो ओम बिरला जी, ओम बिरला जी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे यहीं पर पूछ ले फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था दोस्तों, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, मैं नाम यहां पर राइट कर देता हूं, गणेश वासुदेव, एक ही लोग का नाम है दोस्तों, आप लोग सोचिए, मत सोचिए कि एक लोग गणेश भगवान हो गए, एक लोग वासुदेव भगवान हो गए, ठीक है, और एक लोग मावलंकर, तो एक ही नाम है, गणेश वासुदेव मावलंकर, कई बार शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है जीवी मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर कई बार लिखा होता है शॉर्ट फॉर्म में, जो कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। देखिए यहाँ पे गणेश भगवान भी हैं, कृष्ण भगवान भी है, और मंगल मूर्ति। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और अगर आपसे यहीं पूछे प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों कौन था? मीरा कुमार, ठीक है, मीरा कुमार, मीरा कुमार प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा दोस्तों निम्न सदन में आता है, हम लोग जो पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो कंप्लीट पढ़ेंगे अच्छे से।
और अगर आपसे यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा का गठन कब हुआ था, ठीक है, तो लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल, ठीक है, 17 अप्रैल 1952 में, 17 अप्रैल 1952 में लोकसभा का गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो कौन है, एनवी रमन्ना, ठीक है, एनवी रमन्ना जी वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। अगर आपसे यहीं पर पूछा जाए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से आप देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश अगर पूछे तो क्या होगा आंसर, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल, ठीक है, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन थे, हीरालाल जे कानिया। और अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे दोस्तों, फातिमा बीबी, फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला बीबी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन था, फातिमा बीबी। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक, तो कौन है, शक्तिकांत दास, जो कि 25 नंबर के हैं, 25वें हैं, ठीक है, 25वें वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब दोस्तों रिजर्व बैंक के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन 1 अप्रैल 1935। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, बैंकर ऑफ बैंक, ठीक है, बैंकर ऑफ बैंक। आगे देखते हैं, आरबीआई एक्ट के तहत उस समय इसका मुख्यालय क्या था, कोलकाता, ठीक है, हालांकि फिलहाल अभी तो क्या हो गया है, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में, लेकिन जब शुरुआत में आरबीआई का गठन हुआ था सन 1935 में दोस्तों, तो इसका मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता, बट अभी वर्तमान में कहाँ पे है, मुंबई, देखिए यहाँ पे राइट भी किया है हमने, वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में, ठीक है। और अगर आपसे पूछे आरबीआई के प्रथम गवर्नर, अब प्रेजेंट में गवर्नर आरबीआई कौन है दोस्तों, शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं, लेकिन प्रथम गवर्नर कौन था दोस्तों, ओसबोर्न स्मिथ, जो कि एक अंग्रेज थे, ठीक है, दिस पर्सन वॉज अ ब्रिटिश पर्सन, ओसबोर्न स्मिथ। अगर आपसे पूछे आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, अगर आपसे पूछे आरबीआई के प्रथम गवर्नर तो ओसबोर्न स्मिथ, जो कि एक अंग्रेज था, अंग्रेज थे। अगर आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे, देख लीजिएगा प्रथम गवर्नर पूछ रहा है या प्रथम भारतीय गवर्नर, तो प्रथम भारतीय गवर्नर सी डी देशमुख, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन, प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई तो हमने जान ही लिया है, तो प्रेजेंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा। तुम लोग अभी पढ़ो कहाँ जा रहा, दिनेश कुमार खारा, ठीक है। तो दिनेश कुमार खारा जी दोस्तों वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं, इसको ध्यान से देखना है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो के सिवान जी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, इसको देख लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में,
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पर है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे इसरो की स्थापना, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त सन 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर ऑफ इसरो कहाँ पर सिचुएटेड है, इसरो का मुख्यालय दोस्तों बेंगलोर, जो कि कहाँ पड़ता है, कर्नाटक राज्य में, बेंगलोर इन कर्नाटक, कर्नाटका। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष, क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको क्रिकेट में दिलचस्पी है, हालांकि सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, सौरव गांगुली, इनका चौके छक्के जानते ही हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म देख लेते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और दोस्तों बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में, ठीक है, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन है, सॉरी चेयरमैन कौन है, सौरव गांगुली अध्यक्ष हैं इसके, इसके बीसीसीआई के। आगे देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम्स, वर्तमान में एनसीईआरटी आप लोग बुक्स पढ़ते होंगे ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईएसपीसीएस एग्जाम के लिए स्पेशली, और जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। तो कौन है, डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति, डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति वर्तमान में निदेशक हैं किसके, एनसीईआरटी के। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऋषिकेश को इंग्लिश में इसी तरह लिखा जाता है, एच साइलेंट यहाँ पर होता है, आप कन्फ्यूजन में मत आइएगा, बट स्पेलिंग यही लिखा जाता है, एच आर यू एस एच आई के ई एस एच, ठीक है, डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। आगे देख लेते हैं, एनसीईआरटी के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, एग्जामों में कई बार पूछा भी गया है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद। एनसीईआरटी का स्थापना कब हुई दोस्तों, इसको भी जान लेते हैं, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1961 को, 1 सितंबर 1961 को एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो किसका स्पीच था, किसका नारा था दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी का। तो एनसीईआरटी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली, न्यू दिल्ली। कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पे टर्म पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, जो कि कई बार जनरल वे में भी लोग आपसे पूछ लेते हैं, सीबीएसई का फुल फॉर्म एनसीईआरटी जाने गए, सीबीएसई का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अब सीबीएसई जान गए तो आईसीएसई भी जान लेते हैं, आईसीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा के भारतीय प्रमाण पत्र। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, जिंदगी से कभी नहीं हारना है, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाए, जिंदगी है काम की तू काम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है काम की तू काम पे लुटाए जा। दोस्तों काम से ही आपकी पहचान होने वाली है, तो काम करते रहिए, निरंतर करते रहिए, बिना थके बिना रुकिए। चलिए देखते हैं, लिखा गया है दोस्तों आगे, वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है, प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन है दोस्तों, टेड्रोस एधानोम, ठीक है, ये अमेरिकन पर्सन है, टेड्रोस एधानोम, यहाँ पे इंग्लिश भी लिखा गया, टेड्रोस एधानोम, आप इंग्लिश भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, WHO के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं, WHO का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। एंड सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए दोस्तों प्रत्येक वर्ष
7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर ऑफ WHO तो कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविस मालपास, प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक डेविस मालपास है। ठीक है, वर्तमान विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन होंगे दोस्तों? डेविस मालपास। और दोस्तों इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में, 1944 में वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था। वर्ल्ड बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1944। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, इसको भी जान लेते हैं। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? Washington DC, जो कि कहाँ पड़ता है? US में। ठीक है, Washington DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। DC का फुल फॉर्म जान लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया DC का फुल फॉर्म है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत के नए रेल मंत्री, एक्चुअली दोस्तों मोदी मंत्रिमंडल में कुछ नए मंत्रियों को शामिल किया गया है, जो कुछ चेंजेज हुए हैं तो उसको हम लोग फटाफट 2 मिनट में जान लेते हैं, फिर सेशन को समाप्त करते हैं। तो भारत के नए रेल मंत्री कौन हो गए हैं देखते हैं, अश्विनी वैष्णव जी, भारत के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। ठीक है, भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों राइट किए गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके नाम। भारत के नए कपड़ा मंत्री और उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। ठीक है, टेक्सटाइल मिनिस्टर। भारत के नए महिला एवं बाल विकास मंत्री, क्योंकि चेंजेस हुए हैं तो फिर इसको जानना जरूरी है, स्मृति ईरानी जी। ठीक है, भारत के नए महिला एवं बाल विकास मंत्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी। ठीक है, तो स्मृति ईरानी जी के नाम से ही आज का सेशन शुरू ख़त्म करते हैं। ठीक है, और हम लोग पढ़ाई के द्वारा दोस्तों अपनी ज़िंदगी की नई कहानी लिखेंगे। दोस्तों हमेशा मोटिवेटेड रहिए, अपने दिमाग को फोकस्ड रखिए, तब आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, आप सभी का सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूं ही मुस्कुराते रहें, अपने कर्मपथ पर आगे बढ़ते रहें, अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।